हेलो एवरीवन हमारा आज का टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल मींस पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट या फिर ज़रूरी क्यों है सो पावर शेयरिंग के डिज़ायरेबल होने के टू रीज़न्स हैं पहला रीज़न है प्रोडेंशियल रीजंस प्रोडेंशियल रीजंस मतलब वो रीज़न्स जो कि किसी चीज़ के गेंस एंड लॉसेस को कंसिडर करके बनाए जाते हैं या उस पर बेस्ड होते हैं जैसे पावर शेयरिंग सो तो पावर शेयरिंग के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं क्या गेंस एंड लॉसेस हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं प्रोडेंशियल रीजंस के अंदर आ जाते हैं, हैं। सेकंड है मॉरल रीजंस मॉरल रीजंस मतलब जो मॉरलिटी और वैल्यू पे बेस्ड हों तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडेंशियल रीजन्स प्रोडेंशियल रीजन्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स मींस एक कंट्री में जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में जो है पावर शेयरिंग हेल्प करते हैं जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था श्रीलंका का तो वहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी एंड तमिल कम्युनिटी थी उनके बीच में पावर शेयरिंग नहीं हो पाई थी इसलिए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्टाइज हुए थे लेकिन वहीं अगर हम बेल्ट का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पर जो पावर शेयरिंग थी वो हुई थी इसीलिए वहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ था तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है वो क्या करता है हेल्प करता है सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में सेकेंड पॉइंट है जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लीड करता है जैसे कि श्रीलंका में क्या हुआ था बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था तो सोशल कंफ्लिक्ट क्या करता है वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबलिटी को बढ़ाता है या फिर वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती हैं सो सोशल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए या वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ही अच्छा तरीका है एक गुड वे है एक गुड तरीका है सो पावर शेयरिंग क्या है पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वायलेंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो सोशल कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ही अच्छा तरीका है मॉरल रीजंस के अंडर फर्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग इज़ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मींस जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है डेमोक्रेसी की लाइफ है जैसे हमें पता है कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है सिर्फ एक लीडर होता है और वही अपने अकॉर्डिंग सब कुछ लीड करता है वही अपने अकॉर्डिंग पूरी कंट्री को चलाता है लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेसी में क्या होता है जो पावर होती है वो शेयर होती है और लोगों के ओपिनियन भी मैटर कर है सो so, इसीलिए जो पावर शेयरिंग है वो क्या है डेमोक्रेसी की स्पिरिट है मीन्स अगर पावर शेयरिंग ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट्स मीन्स डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है हमें उन लोगों के साथ पावर शेयर करनी होती है जिनके ऊपर क्या होगा इन पावर का अफेक्ट होगा जो भी पावर एक्सरसाइज हो रही है उसका इफेक्ट जिनके ऊपर होगा उन के साथ हमें पावर शेयर करनी होती है और जिनको उस अफेक्ट के साथ जीना होगा जिनको उन अफेक्ट के साथ रहना होगा उनके साथ हमें पावर शेयर करनी होती है इसीलिए क्या है पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की स्पिरिट है और इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है सेकेंड है पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न मीन्स लोगों के पास ये राइट right है कि वो ये चूज़ कर सकें या फिर उनसे ये कंसल्ट किया जा सकें कि उन्हें कैसे गवर्न किया जाना चाहिए थर्ड है अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम हमने देखा था कि जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होती है लजिमेट गवर्नमेंट होती है सो लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब ही क्या होता है कि जहाँ पर जो सिटीजन्स है उनके पार्टिसिपेशन के थ्रू जो उन, उनका रोल है वो सिस्टम में बढ़ाया जाए मीन्स जो हमारा सिस्टम है पूरा गवर्नमेंट का उसमें क्या हो हमारे सिटीजन्स का भी पार्टिस पार्टिसिपेशन हो उसी को हम क्या कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं सो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन कब हो सकता है जब की पा, जब पावर शेयरिंग हो तभी क्या हो सकता है सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन हो सकता है इसीलिए पावर शेयरिंग क्या डिजायरेबल है हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने टेंथ क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए थैंक यू